नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल चौहान में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ज्वाइबान से रिलेटेड आपको सटीक, एकदम बिल्कुल सटीक जानकारी इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। तो फ्रेंड्स, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज सुबह का जो वाटर गेज था ज्वाइबान का, जो 51.40 फीट था, जो अभी दोपहर को बढ़ के हो गया था 51.66 फीट, और अभी 3 बजे ज्वाइबान का जो वाटर गेज हुआ है जो पहुँच चुका है 51.65 फीट। फ्रेंड्स, 51.65 फीट ज्वाइबान का वाटर गेज हो चुका है। और फ्रेंड्स, आपको एक और बार बताना चाहते हो कि इस बार ज्वाइबान का वाटर गेज बहुत ही मंद गति से बढ़ रहा है, लेकिन वैसे तो देखा जाए तो ज्वाइबान का जो दो पिछले साल जो ज्वाइबान का जो वाटर गेज था, जो इस महीने समथिंग 53 था, और उसके बाद में निरंतर कम होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन इस बार तो फिर भी ज्वाइबान अच्छा बढ़ चुका है। और इस बार सभी किसानों के लिए खुशी की खबर है कि सभी किसानों को जो पानी की जो पाण है तो मिलने वाली है, दोनों तीनों पाण मिल जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं मौसम विभाग। तो मौसम विभाग ने इस बार स्पष्ट बोल दिया है कि ज्वाइबान में जो पानी की आवक, तो उसके बारे में जो बोल रहे हैं कि मौसम विभाग ने स्पष्ट कहा है कि बारिश की कोई संभावना नहीं है। अगर बारिश हो जाती है तो ज्वाइबान के गेट भी इस बार खुल सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है बारिश पर। अभी आने वाले दिनों में तो ज्वाइबान में बारिश की कोई आसार नहीं है, लेकिन कोई मानसून इधर से निकल जाता है और तेज़ भारी बारिश कर देता है तो इस बार ज्वाइबान के गेट खुल सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस बार हम आपको यही बोलना चाहते हैं कि ज्वाइबान के गेट खुलने की कोई संभावना तो नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कोई मानसून इधर से गुजर जाता है और पश्चिमी राजस्थान में भारी बरसात कर जाता है, जिसमें हमारा बाली तहसील का जो बहुत सारे गांव है वो इसके अंतर्गत आता है, जो ज्वाइबान के ज्वाइबान में पानी उसका जाता है। अरावली के जो पहाड़िया है वहाँ से ज्वाइबान में उसका पानी जाता है। उसके बाद में बात करते हैं, जैसे कि उदयपुर में बारिश हो जाती है, कोरडा तहसील में जो वहाँ से जो सेई बांध बना हुआ है, सेई बांध में बारिश होती है ऊपर, तो वहाँ से जो ज्वाइबान का वाटर गेज बढ़ सकता है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूँ कि ज्वाइबान के इस बार गेट खुलने की संभावना नहीं है, अगर खुल जाता है तो इसको वीडियो मैं जरूर अपलोड करूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। जय हिंद, जय भारत।